Second factor of ionization enthalpy is the charge on the nucleus. The ionization enthalpy increase with the increase in nuclear charge. मतलब जैसे nuclear charge increase होता है, ionization enthalpy increase होता है. This is because attractive force being the nucleus and the electron increase with increase in nuclear charge. Therefore, force of attraction is directly proportional to the product of charges on the nucleus and the electron. Therefore, increase in the nuclear charge become more difficult to remove an electron and ionization enthalpy increase. It means nuclear charge increase. Second is nuclear charge. As we move left to right in the period, we know electrons are added in the same subshell. Same shell. Electrons are added in the same shell. Electronic configuration is 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, and 2-8. His atomic number is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And you can see the same, the electrons are added in the same subshell. जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन दे डू नॉट स्क्रीन ईच अदर. लास्ट दे, जैसे हमने एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में पढ़ा था, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दे डू नॉट स्क्रीन ईच अदर. मतलब उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, वो कम है एज कंपेरिजन टू इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज. उनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं वो ज़्यादा है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम है. एज अ रिजल्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एंड इट्स साइज डिक्रीज. और उनका जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है. अगर साइज डिक्रीज होगा, सपोज लिथियम का हम साइज लेते हैं इतना, सपोज हम लिथियम का साइज लेते हैं इतना, ठीक है, और हम फ्लोरीन का साइज लेते हैं इतना, तो आप बताओ इन दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इनका साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज गोस ऑन डिक्रीज. अगर साइज डिक्रीज करता है, तो अगर हम आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, या इस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है, तो कहाँ से हम जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं? हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिमूव नहीं करवा सकते, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिमूव करवा सकते हैं. सो जो आइनिसेशन एंथैल्पी है ऑफ फ्लोरीन, वो ज़्यादा लगेगी एज कंपेरिजन टू आइनिसेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम. ठीक है, मतलब जितना एटम का साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना उतना ही मुश्किल है. इसलिए जो हमारे पास फ्लोरीन है उसकी आइनिसेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, और जो लिथियम है उसकी आइनिसेशन एंथैल्पी कम है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हम करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन का काम कैसे करते हैं? द आइनिसेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. जो आइनिसेशन एंथैल्पी है वो कम होती जाती है जैसे इनर इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है. इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर शील्ड और स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन. जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इनर इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, शील्ड होते हैं या स्क्रीन होते हैं. दिस इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. अब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट पर क्या है, जैसे ये फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहाँ पे दो शेल और लगा देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ शेल में पड़े हैं, दे स्क्रीन होते हैं इन तीन चीज़ों से, 1, 2, 3, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे वो क्या होते हैं, स्क्रीन होते हैं या उनसे वो शील्ड होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के बीच में, आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस के बीच में जो तीन शेल आ रहे हैं, ये जो तीन शेल आ रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं, स्क्रीन का काम कर रहे हैं. ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील द फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. इसलिए जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वह पूरा का पूरा चार्ज महसूस नहीं कर सकते. द एक्चुअल चार्ज बाय द फेल्ट इज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जितना मोह में एक्चुअल में चार्ज महसूस करना चाहिए करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
जेड ई एफ, और जेड ई एफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को माइनस करके। वेयर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट टेक इन टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल इज लार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो भी लार्ज, देयरफॉर न्यूक्लियर और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल बी लेस, इसलिए जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वह कम है और आइनिसेशन एंथैल्पी हो जाएगी कम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में पड़े हैं उनका जो जो वो न्यूक्लियस के साथ उन्होंने जो अट्रैक्शन फील करनी थी वो अट्रैक्शन कम है। क्यों कम है, क्योंकि बीच में कितने शेल आ जाते हैं, ये थ्री शेल आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो इनकी जो न्यूक्लियस और आपस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज लेस, ठीक है, देयर फोर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेलेंस शेल। तो वेलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से इसकी जो आइनिसेशन एंथैल्पी है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, सो एज अ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, सो उसकी आइनिसेशन एंथैल्पी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है।